सॉरी। आंटी वो रूम के बारे में बात की थी। हाँ हाँ, इतनी जल्दी रूम मिलना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक रूम है यहाँ पे, लेकिन उसमें तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चलेगा? ओके ओके आंटी, चलेगा। उसमें ऑलरेडी एक लड़की रह रही है, तो वो रूम तुम्हें सिर्फ 12 घंटे के लिए मिल सकता है। तुम्हारा जॉब का टाइमिंग क्या रहेगा? मेरा जॉब सुबह 10 से 6 बजे तक का है। ओके ठीक है, तो रूम तुम्हें सिर्फ रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक मिल सकता है, ओनली फॉर 12 आवर्स। चलेगा? चलेगा चलेगा आंटी जी। 8 बजे से पहले तुम आ नहीं सकते और 8 बजे के बाद तुम रुक नहीं सकते, इवन ऑन संडेज। ठीक है? ठीक है। चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। हाँ बोलो ना। नहीं यार, अभी तक नहीं दिया है यार। मुझे ना हार्ड कॉपी मिल ही नहीं रही है। मैं ना घर जाके देखती हूँ। हाँ बाबा, मैं देखती हूँ। चल बाय। Thank God. हाय। आज पहली बार ये रूम जैसा लगा। बाय द वे आई गॉट माई हार्ड कॉपी ऑन द राइट टाइम। थैंक यू। हाय। मॉम की वजह से कुछ बुरी आदतें लग गई हैं। यू आर वेलकम। मैं तो हमेशा से बाहर ही रही हूँ, तो साफ सफाई से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वैसे तुम साफ सफाई के अलावा और क्या करते हो? मैं चाय बना लेता हूँ और टाइम मिलता है तो थोड़ा लिख लेता हूँ। वैसे व्हाट यू डू? ओह राइटर। हम तो खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं और लोगों से बातें करते हैं। आई मीन कॉल सेंटर यार। और भाई लेटर से आगे बढ़े कि नहीं? नहीं यार, मुझे तो अभी तक उसका नाम भी नहीं पता। नाम भी नहीं पता? कैसा आदमी है यार। पर इसमें भी एक अलग मज़ा है। तुम लोग का सही है भाई। चला जाए? चलिए। आज शाम से सक रही है और हवा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। बादलों ने रोक रखा है किरणों को, लगता है मौसम भी दीवाना हो रहा है। धीरे धीरे। अरे वो नया बंदा आया हुआ है ना, राघव, बॉस का चमचा बना हुआ है। छोड़ना, उसको पता नहीं है अभी बॉस के बारे में, टाइम आने पे उसकी भी लेगा। और तुम्हारी लव स्टोरी आगे बढ़ी कि नहीं? चल रही है यार, 6 महीने हो गए यार। स्टेशन कब पहुंचेगी? पता नहीं। एक काम कर, तेरी वो खड़ूस उन्होंने तो मिलने नहीं देगी, कहीं बाहर बुलाओ कॉफ़ी के लिए। लिखो क्या है उसको मिलने के लिए? हाँ बिंदास लिखना, उसमें क्या है। ओए ओए, पैसा कौन देगा? सॉरी सॉरी। विशाल, तुम आ गए? तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, वो लड़की ने रूम खाली कर दिया है, अब पूरा रूम तुम्हारा, एंजॉय।